हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू पांडु इंग्लिश एकेडमी। आई एम भागीरथ गोदारा विद न्यू वीडियो। दिस इज फॉर क्लास 10th आरबीएससी। क्लास 10th की आरबीएससी के लिए वीडियो बना हुआ है। ये वीडियो लेसन फोर्थ का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने लेसन फोर्थ द टेल ऑफ बिश्नोई का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। उसके बारे में, उसके फादर कौन थे, जांबाजी क्या थे, कैसे उसका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, उसके पिताजी क्या थे, ये सब कुछ हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो पहले वाले वीडियो देख के आए, उसके बाद ये वीडियो देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक के SST और इंग्लिश के सभी नोट्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इसके लिए बेसिक ग्रामर, जो लोग इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक अलग से बेसिक लर्नर तक इंग्लिश कोर्स शुरू कर रखा है। आप उसे ज्वाइन करें, फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। मैं गारंटी लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। आपके सब कन्फ्यूजन, आपको इंग्लिश आती भी है, आप इंग्लिश बोल नहीं पाती है, हेजिटेशन होती है, फ्लुएंसी नहीं है, सब चीजें क्लियर हो जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि अभी हमें ये डाउट रहता है कि यूज कैसे किया जाए, कभी ING आ जाती है, कभी थर्ड फॉर्म आ जाती है, कभी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, पता नहीं चलता कब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कब थर्ड फॉर्म लगानी है। ये सब चीजें मैंने उन वीडियो में क्लियर की है, आप उन्हें देखें, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। टेल ऑफ बिश्नोई, यहाँ तक हमने पढ़ा कि जांबाजी जो थे उनका जन्म कैसे हुआ, वो क्या किया करते थे। जांबाजी अपने पिताजी, उसके पिताजी काफी लैंडलॉर्ड, बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके घर पर काफी पशु थे, तो एनिमल्स की लुक आफ्टर किया करते थे, एनिमल्स को चराया करते थे। और जब जांबाजी एनिमल्स को जंगल में चराया करते थे, तो जंगल में और बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते थे, जैसे ब्लैक बक का यहाँ बार बार वर्णन आएगा, इससे बारह सिंगे का भी आएगा, तो उनको देखते। हिरन जो आप देखते होंगे काफी एजाइल होते हैं, काफी मतलब फुर्तीले होते हैं, कभी इधर से उधर भागते हैं, कभी इधर से उधर भागते हैं, जंप करते हैं, उनके बीच में लड़ाई भी, फाइटिंग बहुत अच्छी होती है, और हिरन्स की फाइटिंग से बहुत प्रभावित है। आगे हम देखते हैं उसके जीवन में, इसी आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि उसके जीवन में उन्होंने कितनी बड़ी परेशानी देखी, लोगों को कैसे माइग्रेट होते हुए देखा, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का लेसन। आज इट वॉज ग्रेट फन टू हैव एनिमल्स आउट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग में चराना, एनिमल्स को बाहर चराने के लिए ले जाना बहुत ही फन की बात थी, बहुत ही आनंद की बात थी। क्योंकि पहले क्या था, आज से 600 साल पहले की बात है ना, उसमें एनिमल्स के अलावा था भी क्या, मोबाइल लैपटॉप था नहीं, तो एनिमल्स की फाइटिंग देखना ये सबसे बड़ा असरस था, है ना। तो जांबाजी कहते हैं कि उनको बाहर ले जाना बहुत आनंद की बात थी, अगर पशु चराने के लिए बच्चों को मिल जाते तो उनके लिए मौज ही मौज थी, क्योंकि जंगल में सभी लोग क्या थे, बच्चे हुआ करते थे, वो जंगल में आराम से खेला करते थे, है ना। गांव में तो घर वाले खेलने देते थे, तो वहां आराम से खेला करते थे, तो उनके लिए काऊ ग्रेजिंग सबसे अच्छा बिजनेस था। लाई इन द शेड ऑफ खेजरी ट्री, वहां जाकर के जंगली खेजरी पेड़ों के सो जाना। वॉज द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, ब्लैक बक, बिग बग हेड का मतलब होता है जंगली जानवरों के झुंड को हेड कहते हैं, जंगली पशु जो होते हैं उनको जो झुंड होता है उनको हेड कहते हैं, पक्षियों के झुंड को फ्लोक कहते हैं, ये कलेक्टिव वर्ड है, सभी के लिए अलग अलग आता है। कुत्तों के झुंड को हाउंड कहते हैं, चिंटी के झुंड को स्कूल कहते हैं, है ना, अलग अलग है, जैसे खिलाड़ियों के झुंड को टीम कहते हैं ना, वैसे सबके लिए अलग वर्ड है, कभी कलेक्टिव नाउन पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। जांबाजी कहते हैं कि पक्षियों पशुओं के बीच की जो लड़ाई है काफी अट्रैक्टिव थी। जांबाजी वो फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित हो जाना, जांबाजी बहुत ही आकर्षित होते थे बाय द लिथ ग्रेस ऑफ द हैंडसम एंटीलोप। एंटीलोप जो बहुत शान से चलता था, बहुत ही यूं लिथ के साथ में शान से चला करता था, उसका जो चलने की जो स्टाइल थी, जो दादागिरी थी उसकी, उससे काफी प्रभावित थे। थॉट सोचता दैट देर वॉज नो मोर, देर वॉज नो साइट मोर एनथ्रेलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेक। जामा जी कहते थे कि
दो व्हेल क्रोन स्नेक के बीच लड़ाई है ना, उससे अच्छा जंगल में और कुछ था ही नहीं। उनके बीच की अगर लड़ाई देखने को मिल जाती, देखो लड़ाई उनकी कैसी हो, तो कहते कितनी शानदार है वो, कितना कितनी बॉडी इनकी, स्ट्रॉन्ग बॉडी है इनकी, देखिए कितने अच्छे सींग है इनके। ऐसी अगर उनको देखने के लिए मिल जाती तो इससे अच्छा उनके लिए एनथ्रेलिंग, एनथ्रेल का मतलब होता है बहुत ही रोमांचित कर देने वाली घटना और कोई थी नहीं। आगे हम पढ़ते हैं, जांबाजी वॉज 25 ईयर ओल्ड, उसमें 25 साल के थे। एज ए ग्रेट डिजास्टर ओवर टुक इन द होल रीजन, और जब जांबाजी 25 साल के थे तो उस समय 8 साल तक अकाल पड़ा था, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, 8 साल तक लगातार अकाल पड़ा था। और जांबाजी के जीवन में अकाल ही सबसे बड़ा परिवर्तन का कारण रहा। आगे हम देखते हैं कैसे रहा। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, थोड़ी बहुत भी बारिश, दैट यूज टू कम आया करती थी रेगुलरली, हमेशा के लिए, सीज्ड ऑल टुगेदर, अचानक बंद हो गई। डेजर्ट में, मारवाड़ में थोड़ी बहुत भी बारिश आया करती थी, वो भी बंद हो गई थी। जैसे कि इस साल अभी तक बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में बारिश नहीं हुई है ना, अकाल की स्थिति बनी हुई है, ऐसे भी उस समय बनी थी। यहाँ वे अपने यहाँ बीकानेर के अंदर बहुत ही कम बारिश होती है पहले से ही, है ना, और वो भी नहीं है तो अकाल है ना। तो जामा जी कहते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश आया करती थी, वो भी आनी बंद हो गई थी। आगे हम पढ़ते हैं, द वर्स्ट सफरर, वर्स्ट सफरर, सबसे बुरी हालात में पीड़ित थे जो, सबसे बुरी अवस्था में पीड़ित हुए थे, वर द कैटल्स, सबसे बुरी तरह से केटल प्रभावित हुई थी। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राउट, ड्राउट का मतलब अकाल, अकाल के प्रथम साल में, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रो, स्ट्रो का मतलब होता है सूखा घास, सूखा घास काट के घर पर रख लेते हैं ना उसको। पहले साल तो बाजरे का जो स्ट्रो था, जो बाजरा काटते हैं उसको पशुओं ने खा लिया, स्टोर्ड इन द हाउसेस, घरों में लोगों ने स्टोर कर रखा था, उसको खिलाया गया। सेकेंड ईयर वॉज बैड, वेरी बैड, पहले साल तो बाजरा खिला दिया, अगले साल क्या खिलाएं, पूरी और स्थिति बुरी हुई। देर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, जंगल में कहीं पर भी घास की खड़ी ब्लेड, एक पत्ता भी खड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अकाल पड़ गया था, जंगल पूरी तरह से सूख चुका था। पीपल हैक्ड एट एनी थी, लोग लगभग पेड़ों पर लटके हुए मिलते थे, पेड़ों के घास, पेड़ों के हरे पत्तों को तोड़ा करते थे और पशुओं को खिलाया करते थे। They could find and fed the animal on the leaves. पेड़ों के पत्तों को तोड़ करके पशुओं को खिलाया करते थे। But even so, there was not enough boughs for all the hungry animals. और जब पेड़ों को खिलाने लगे तो पेड़ भी सूखे, है ना? अब हंग्री एनिमल्स को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। And the drought continued for 8 consecutive years. वो ये ड्राउट जो था ना, लगभग 8 साल लगातार चला। आप देखिए, जब 8 लगातार साल चलेगा तो क्या स्थिति बनेगी ना। इसी स्थिति ने जांबाजी को ट्री को सेव करने, प्लांटेशन लगाने के लिए प्रमोट किया था। पीपल हैड हैग्ड एंड हैग्ड एट लास्ट बिट ऑफ फॉलीज फ्रॉम ऑल द ट्रीज, लोगों ने पेड़ पौधों के अंतिम से अंतिम एक एक पत्ते को तोड़ लिया था, पेड़ के ऊपर एक भी हरा पत्ता उन्होंने तोड़ा नहीं। Which finally began to dry up when the store grain was exhausted, है ना? अब जो पेड़ पौधे वो सूखने शुरू हो गए थे, which finally began to dry up, जो सूखने शुरू हो गए थे, when the store grain was exhausted, एग्जॉस्ट के वैसे वास्तविक मतलब होता थक जाना, लेकिन यह है कि जो स्टोर्ड ग्रेन था वो पूरा खत्म हो चुका था, पूरा यूज कर लिया गया था। पीपल एट केजरी पोर्ट्स, अब अनाज ही खत्म हो गया, पहले तो पशुओं की समस्या थी, अब घर में जो स्टोर किया अनाज था ना वो भी खत्म हो गया, तो लोगों ने क्या किया, खेजड़ी के पोर्ट्स खाने शुरू कर दिए, है ना। देन फ्लोर ऑफ द ड्राइड हर सीड, और फिर खेजड़ी के जो पत्ते थे ना, बीज थे, उनको सुखाते उनको खाना शुरू कर दिया। देन दिस टू वाज एक्सटोर्डेड, जब खेजड़ी के पत्ते तो पशु खा गए, खेजड़ी के जो बीज थे उन्होंने लोगों को खा, वो लोग खा गए। अब जब वो भी खत्म हो गए, देन दे टोर द बार्क ऑफ सांगरी ट्रीज, फिर लोगों ने क्या किया कि सांगरी जो जो पेड़ थे ना, उनकी छाल को, पेड़ की जो छाल होती है ना, उसको खाना शुरू कर दिया। पाउडर, उसका पाउडर बनाते एंड कुक्ड, उसकी रोटी बना लेते। जैसे हम गेहूं को पिसाते हैं ना, वैसे पेड़ की छाल को उतारते, उसको पीटते, बारीक करते, फिर
उसको पीस करके उसकी रोटियां बना कर खाने शुरू करती। आगे हम और बढ़ते हैं। वेन हॉन्टेड दे हॉन्टेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बग ब्लैक बग। अब जब एनिमल्स को खाना खत्म हो गया, आदमी भी मरने लग गए, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, ब्लैक बग का शिकार करना भी शुरू कर दिया था, है ना। फाइनली दे अबंडन ऑल ऑफ, जब लोगों की सभी उम्मीद खत्म हो गई, अबंडन हो गई, एंड माइग्रेटेड इन मासेस। अब लोग क्या करते, बड़े बड़े झुंड में माइग्रेट करने लगे। माइग्रेट का मतलब तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करना। बाई नाउ द होल कंट्री वॉज बैन। अब तक पूरा देश बैरन हो चुका था, बैरन मतलब जंगल बंजर बन चुका था। देर वॉज नॉट ए ट्री इन द इन साइट फॉर माइल्स टूगेदर, मतलब मिलो मिलो तक कोई भी एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता था। नोर ए सिंगल काउ और ब्लैक बग, न तो पेड़ को देते न काउ दिख रही थी, न ब्लैक बग दिख रहा था। जंगल पूरी तरह से बैरन हो चुका था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड लाइक जमाजी फादर विद ह्यूज स्टोर ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। केवल वही लोग होल्ड कर पाए, रुक पाए उस जंगल में, उस मरुस्थल में, उस मारवाड़ में। ओन वर बिग लैंडलॉर्ड लाइक जमाजी फादर, तो जमाजी के पिताजी की तरह जो बिग लैंडलॉर्ड थे, जो बड़े जमींदार थे, वही टिक पाए क्योंकि विद ह्यूज स्टोर ऑफ बाजरा, क्योंकि उनके पास बाजरे का बहुत बड़ा भंडार था। दैट सम हाउ लास्टेड, लास्ट एक वर्ब है, इसका मतलब कंटिन्यू, जिनको उन स्टोरों को उन्होंने लास्ट तक कंटिन्यू रखा, जारी रखा थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम में उसको मैनेज करके रखा। आगे हम पढ़ते हैं। जांबाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्राउट। अब क्या हुआ, हमें ये पढ़ना, ये तो स्थिति थी। अब जांबाजी का, उस समय जांबाजी 25 साल के थे, 25 साल के आदमी सब कुछ जानते हैं, समझदार होते हैं, तो जांबाजी इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। मैनी ओवर द नाइट सी स्पेंट इन अवेकफुलनेस, कई रातों उन्होंने उनको नींद नहीं आई, कई रातों तक उनको नींद भी नहीं आई बिकॉज ऑफ द सफरिंग्स। क्यों नहीं आई, क्योंकि सफरिंग जो थी, किस तरह से आदमी सफर कर रहे थे, किस तरह से एनिमल सफर कर रहे थे, है ना। ही शो अराउंड हिम एंड डाइंग कैटल्स, स्टार्विंग चिल्ड्रंस, पशु मर रहे थे, बच्चे भूख मरते थे। दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। सभी लोग हॉन्ट कर, बच्चे कैटल्स लोगों को पूरे दिन हॉन्टेड करते थे। फाइनली एट द एज ऑफ 34, लगभग कितनी हो गई, 34 ईयर हो जाएगी एज, 25 से 8-9 साल हो गए थे। ही हैड ए विजन, 34 साल की उम्र में उनको एक विजन, एक उन्होंने अपने एक दृष्टिकोण बनाया, एक अपना नो सपना अपना एक विजन तैयार किया, एक प्लान तैयार किया। ही सो मैन इंटॉक्सिकेटेड विद ऑल हिज पावर एंड डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड इन अराउंड इन। उसने देखा कि आदमी अपने पावर में, अपने नशे में, अपने पावर में, अपने क्षमता के साथ में इंटॉक्सिकेटेड था, बेहोश था, मतलब अपना आदमी अपने आप पे बहुत घमंड कर रहा था। ऐसा उसको सपना आया कि आदमी जो थे वो बहुत ज्यादा घमंड करने लग गए हैं और अपने आसपास के एनवायरमेंट को खत्म कर रहे हैं। या आसपास के एनवायरमेंट को खत्म करने का मतलब है कि लोग इस बात को भूल गए थे कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं, बहुत ही काम आने वाले हैं, और जंगल को, जंगली जानवरों को बहुत बुरी तरह से यूज कर रहे थे, ऐसा उनको सपना आया। आगे हैं। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। जामाजी ने निर्णय लिया कि मैं इसको चेंज कर दूंगा। इफ लाइफ वाज टू फ्लरिश अगेन इन दिस डिसोलेट लैंड, यदि इस अलग थलग मरुस्थल में अगर जीवन को दोबारा शुरू करना है, तो हमें जीवन के जीन में परिवर्तन करना पड़ेगा, ऐसा जामाजी ने सोचा। जामाजी सो दैट मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे। ये देखो, तो फ्यूचर में कंपल्सन है ना, पास्ट में शो किया गया है कि आदमी को एक नए तरीके से रहना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेंट, डिफरेंट टेनेंट, डिफरेंट थ्योरीज एंड बिलीफ, विश्वास, अलग अलग सिद्धांत और अलग अलग विश्वास के साथ में लोगों को रहना पड़ेगा। जामाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय द अबंडेंस ऑफ खेजड़ी। ये बेर होगा, खेर करनी होगा, खेजड़ी, बेर, खेर एंड सांगरी।
व्यक्तियों को, हमें सब लोगों को, पृथ्वी को खेजड़ी से, बेर से, केर से, सांगरी नामक फेर से इसको कवर करना पड़ेगा। अबंडन का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, इनफ। ही वांटेड हार्ड ऑफ ब्लैक बक टू फ्रोलिक अगेन, वो चाहते थे कि ब्लैक बक के झुंड वापस इसी तरह से घूमे, इसी तरह से लड़े, इसी तरह से कूदें, जंप करें। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, वो चाह रहे थे कि हम सभी लोग मिलकर के इन जंगली जानवरों के लिए कार्य करें। धर्माजी न्यू, जानते थे द वे वॉज टू अचीव दिस, धर्माजी जानते थे कि इस बात को कैसे हासिल किया जा सकता है। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, धर्माजी ने 1485 में इस मैसेज को दुनिया में फैलाना शुरू किया, लोगों के बीच में स्प्रेड करना शुरू किया। कौन सा मैसेज था? कि पेड़ पौधों को लगाना है, पेड़ पौधों को काटना नहीं है, और जंगली जानवरों को मारना नहीं है। ये बिश्नोई कम्युनिटी के सबसे अच्छे सिद्धांत माने जाते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। जामा जी, अब क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, किस चीज ने दम्बा जी को अपने सिद्धांत को लोगों के बीच में, अपने विजन को लोगों के बीच में स्प्रेड करने के लिए मजबूर किया? ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंजक्टिव 8 ईयर ड्राउट, लगातार 8 वर्ष अकाल, हैड मेड द जम्बा जी टू थिंक अबाउट टू चेंज द लाइफ। इसी बात ने जम्बा जी को इस जीवन को परिवर्तित करने के लिए सोचने के लिए मजबूर किया, है ना? इस तरह से हमें इसको क्वेश्चन आंसर बनाना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट इन द नेक्स्ट।